हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल इसके बारे में। होता क्या है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे तरफ अपने लड़के को लेके आते हैं। लड़का रहता है, पुरुष जैसा रहता है, दिखता वैसा ही है, मगर ये बोलते हैं कि उसको लड़की बनने का है, क्योंकि उसके हाव भाव जो है वो लड़की जैसे रहे। उसका चलना, उसका बोलना, बात करने का तरीका, हाव भाव जो है, मतलब उसके जो मैनरिज्म्स है, वो सब लड़की जैसे रहते हैं। और वो चाहता भी वही है कि मुझे लड़की बनाओ, कर क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, लड़का बन के रहने में उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे ऑर्गन्स जो है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो है मेल के, पुरुष के, मगर काश मैं लड़की होता तो अच्छा रहता। मतलब उसका मेंटल मैकेनिज्म जो है, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका पक्का फिक्स हो जाता है। उसका जो ब्रेन पैटर्न जो है वो पक्का हो जाता है कि काश में लड़की होता तो अच्छा रहता। और फिर उसको कुछ भी समझाओ वो समझने को तैयार रहता नहीं, वो शादी करने को तैयार नहीं होता। बाकी लोग पूछते रहते कि ये शादी करना कि उसने बड़ा हो गया तो शादी करने को तैयार नहीं रहता कि उस वक्त तक अपन लड़की है। और फिर उसके वजह से उसको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, निराशा, हताश, चिंता, ऐसी बीमारियाँ भी होती है। और वो बोलता है कि नहीं मैं ऑपरेशन करवाओ और मेरे को लड़की बनाओ। इसको ये भी बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और जेंडर डिस्फोरिया। लड़कियां भी कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां होती है, मतलब होती लड़की, मगर वो लड़के जैसा बिहेव करती है, मगर वो समाज में चल जाता है। कैसा है कि वो जैसा लड़की टफ, लड़के जैसी बर्ताव करती है, मतलब बोलती चलती है, तो वो चल जाता है वैसा। और वो मतलब लड़के जैसा बोलेंगी, मतलब लड़के जो खेल खेलते वैसा खेलेंगी, लड़के जो सर्विस करते वैसी सर्विस में जाएंगे, वो वैसी एजुकेशन लेंगी, मगर वो समाज में चलते, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा आता है कि जो लड़का रहता है और वो बोलता है मेरे को लड़की होना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में पक्का रहता है। हमारे पास में लाते हैं लोग कि नहीं इसको हिप्नोटाइज करवाओ, उसको NLP सिखाओ, NLP टेक्निक से उसका जो सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन में जो पक्का बैठा हुआ है वो निकालो। और कुछ कुछ लड़के लोग जिनको ऐसा है कि नहीं मैं लड़की रहता काश तो अच्छा रहता है, वो खुद हो क्या आते, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो माँ बाप ने लाया हुआ एक प्रॉब्लम है, और वो उसको लड़का जो है वो तैयार नहीं रहता कुछ करने के लिए, वो एक प्रॉब्लम। कुछ लोग हमारे पास में आते कि नहीं मैं लड़का हूँ, लड़की जैसा बिहेव करना मेरे को अच्छा लगता है, मगर अभी मेरे को वो नहीं होना, मेरे को ठीक होने का है, मेरे विचार निकालो और मेरे को शादी मेरी करने की अभी और मैं तैयार हूँ, मगर ये विचार जो आते हैं वो निकालो। तो उसका इलाज बहुत आसान है, अंतर मन में जो बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है एक ब्रेन पैटर्न तैयार हुआ है, उसको रीप्रोग्रामिंग करो सम्मोहन के माध्यम से या काउंसिलिंग के माध्यम से। और नहीं तो फिर ये खुद होके डॉक्टरों के पास में जाके ऑपरेशन कर लेते हैं, लड़की जैसा जो सेक्स ऑर्गन्स है वो तैयार कर लेते हैं, लाइक वजाना, यूटेरस, ऐसा मतलब वो जैसा तैयार कर लेते ऑपरेशन करके। और उसके लिए भी कंडीशन है कि 2 साल यदि कंसिस्टेंट वो यदि वही अवस्था में है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को लड़की होने का है, लड़की बनने का है, तो फिर वो ऑपरेशन के लिए मतलब ठीक है और ऑपरेशन की केस बन सकती है। तो इसमें उसका इलाज करना तभी संभव है कि जब वो खुद उसे आते हैं, और नहीं तो फिर उसको उसकी ज़िंदगी जीने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मगर अभी वो तैयार नहीं है, खुद लड़का, उसको लड़की जैसा रहना है, तो आप क्या करेंगे। तभी भी जब सब घर के लोग लाते हैं हमारे पास में कि नहीं भी इसका कुछ भी करवाओ, तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं उसका जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, वो जो डिस्पोरिया है,
वो हम कुछ ना कुछ इसके लिए कर सकेंगे। और व्यक्ति वो तैयार है तो बिल्कुल अच्छा होना संभव है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।